हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। एक्चुअली में मैं अपने घर में कुछ काम में फंस गई हूँ, यानी बिज़ी हो गई हूँ, और इसी वजह से मैं क्लासेस भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं चैनलिंग नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बस आज का दिन और है और कल मैं पक्का सारी चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताने आई हूँ कि अभी आपको क्या है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो तो पूरा होगा, लेकिन मैनिफेस्ट के साथ साथ आपके साथ में इस टाइम बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी चल रही है। साथ में आपको बहुत डीप मतलब समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन अजीब सा लॉस एनर्जी फील हो रही है। चीज़ें रख के भूल रहे हो या चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है, और बार बार आपको बहुत जोर देना पड़ रहा है दिमाग पे। और जब जोर देते हो तो बहुत अजीब सा लगता है कि तुमको हुआ क्या है, एकदम से ये सारी चीज़ें इतना लॉस फील कर रहे हो। और कभी कभी आपको लगता है कि ये DM की एनर्जी है। नहीं, ये DM और DF वाली एनर्जी नहीं है, एक्चुअल में ये यूनिवर्स की एनर्जी है। सभी को एक तरह से लॉस वाली एनर्जी फील होने वाली है। अगर किसी को हो रही है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रही है तो आपको कल या परसों से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 2-3 दिनों में आपको ये लॉस वाली एनर्जी फील होने वाली है। और ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्या है कि आप अपनी पास्ट की जो मेमोरी है उसे क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उसी में उलझ के अपनी प्रेजेंट लाइफ को फोकस नहीं कर पा रहे हैं या प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से एक तरह से यूनिवर्स का ये प्लान है कि आप पिछली सारी जो बातें हैं, भूली बिसरी बातें हैं, या कुछ बीता हुआ कल है आपका, या फिर आपका इस टाइम हो और उससे 1 घंटे का पहले का जो आपके साथ हुआ होता है उसे भी तुम भूल जाते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि आप कहाँ रखते हो, कहाँ भूल जाते हो, और फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है। कुछ इस तरह से आपकी एनर्जी बनी हुई है। और साथ में आपको ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है खुद के साथ डील करना, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने खुद को कहीं खो दिया है, या हम कहीं भटक गए हैं, या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, या मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ, या कहाँ फंस गया हूँ। इस तरह से इक्वल एनर्जी है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की। थोड़ा सा फेमिनिन गुस्सा कर रही है, उनको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पता नहीं आपके भीतर कहीं कुछ गलत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भीतर कहीं गड़बड़ी नहीं है, आपकी एनर्जी में कहीं गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा जो एनर्जी है ये समझ से बाहर है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और क्योंकि ये जो टाइम है इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। आप पिछले कुछ याद कर रहे हैं वो याद नहीं आ रहा, आप उदास क्यों हैं वो समझ में नहीं आ रहा, आपको करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, आप उदास हो रहे हो ये सच में पता है आपको कि आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मेडिटेशन में फोकस नहीं हो रहा, अदरवाइज आप रूटीन लाइफ में जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं हो रहा, एकदम से वो बैराग वाली एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो बैराग वाली एनर्जी क्यों फील हो रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर इस बहम में हो कि वो मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो वो मैस्कुलिन की एनर्जी नहीं है, वो एक तरह से यूनिवर्स का ही एनर्जी है जिसे हम फील कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका डिक्लियर नहीं हुआ है कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसलिए ये यूनिवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली कुछ अच्छे के लिए हम सबको दी गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी अपने आप को बहुत अच्छे से देखना है, अपने आप को अब्जॉर्ब करना है, अपनी एनर्जी को रीड करना है, दूसरों को ब्लेम करने से पहले या दूसरे के बारे में सोचने से पहले खुद को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो यह थोड़ी सी बातें थी जो मैं आपको समझाने आई थी, बाकी डिटेल में मैं तुमको कल बताने वाली हूँ, और शायद मुझे इसका रिप्लाई भी मुझे कल तक मिल जाएगा चैनलिंग का कि ये एनर्जी क्यों इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कल तक का वेट करना होगा, लेकिन आज मैं इतना ही बता पाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ और अभी मुझे आवाज़ लगने वाली है तो मैं जाना चाहूँगी, लेकिन इतना मैं आपको बता के जा रही हूँ। थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, और अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं करना, म्यूजिक का ज़रूर सहारा लें। अगर आप सॉन्ग गाते हैं तो सॉन्ग गाना स्टार्ट करें, नहीं गाते हैं तो ईयरफोन लगा के कोई अच्छा सा फ्रिक्वेंसी या कोई अच्छी सी साइलेंट पीसफुल म्यूजिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपने आप को ढूंढना है, कोशिश करना है कि चीज़ें किस तरह से आपके अनबैलेंस हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद पे फोकस करना है। तो